लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जनार्दन का दावा है कि उसके शरीर के अंदर स्वर्गवासी जॉन की आत्मा प्रवेश कर गई है। जॉन एक पुलिस ऑफिसर था। एक गुंडे गज्जू ने उसका कत्ल करके उसकी लाश समंदर में फेंक दी थी। गज्जू से बदला लेने के लिए ही जॉन ने दूसरा जन्म लिया है। हालांकि यह घटना 25 बरस पहले हुई थी, लेकिन जनार्दन को विश्वास है कि गज्जू चाहे कहीं भी हो, किसी भेष में भी हो, वो उसे ढूंढ निकालेगा। मतलब वो मेरे को ढूंढ रहा है, अपने पिछले जन्म के कातिल को। मेरे को लगता है तेरे को पहचानने के बाद वो तेरे जरिए मेरे तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अब की बार उसकी आत्मा को ही मार देते हैं ताकि वो तीसरा जन्म न ले सके। आशा जी, एक काम करो, जनार्दन का पीछा करो, उससे मिलो और उससे बड़े प्यार से जॉन बोलो। उससे कहो कि तुम उसके पिछले जन्म की बीवी शेरिल हो, और यह सुनने के बाद उस पर क्या असर पड़ता है जरा गौर से देखो, और उसके बाद उसे अपने घर ले जाओ। उसके बाद? उसके बाद क्या करना है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जाओ। ओके, बाय डार्लिंग, सी यू। आप उस खतरनाक आदमी के पास इस हिरनी को भेज रहे हैं? ये हिरनी नहीं है, शेरनी है। अच्छे अच्छों का शाबाश कर डालती है। ये क्या करते हो? ये पब्लिक प्लेस है तो क्या हुआ? छोड़ो ना, छोड़ो। अरे बदु, ए बदु, रुक जाओ, रुक जाओ। हेलो जॉन। जॉन, कितने दिनों के बाद मिले हो जॉन डार्लिंग। कौन हो तुम? अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी शेरिल हूँ। उस रात जब तुम हॉस्पिटल से गए तो वापस ही नहीं आए। मुझे तुम्हारी तलाश में जिंदगी की सीमा पार करके मौत की सीमाओं में जाना पड़ा, लेकिन जब तुम मुझे वहां भी नहीं मिले तो मैं मौत की सीमा पार करके यहाँ आ गई। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही निकाला। फर्क सिर्फ इतना है कि इस जन्म में मेरा नाम आशा है। मेरा तन मन सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है जॉन। शेरिल, 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 कौन है तू? चिपकी जा रही है, शर्म नहीं आती तुझे? मैं अपने हस्बैंड से चिपकने में शर्माऊं क्यों? मैं इनके पिछले जन्म की बीवी शेरिल हूँ। पिछले जन्म की बीवी माय फुट। इस जन्म में के बच्चे, चलो मेरे साथ, चलो। ईश्वर मारे थे, चलो मेरे साथ, जल्दी चलो। आशा, नाटक का पहला सीन तो बहुत बढ़िया किया, अब दूसरा सीन शुरू करो। हेलो, हु इज स्पीकिंग? मैं शेरिल बोल रही हूँ डार्लिंग। अरे तुम, मैं तो तुम्हारे फोन का इंतजार करके करके पागल हुआ जा रहा था, लगता था तुम शायद फोन करोगी ही नहीं। मैं खुद तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ, आ जाओ तो जिंदगी वहीं से शुरू करें जहाँ पिछले जन्म में खत्म की थी। कहाँ से बोल रही हो? 17 हुस्नाबाद लेन शांता क्रूज। 17 हुस्नाबाद लेन शांता क्रूज, मैं अभी आता हूँ। 17 हुस्नाबाद स्ट्रीट। शेरिल,
शेरिल, शेरिल, शेरिल। हाय डार्लिंग। हाय। वहां क्यों खड़े हो? मेरे पास आओ। स्विमिंग पूल पर देखते ही मैंने तुम्हें पहचान लिया था। पिछले जन्म की सारी यादें ताजा हो गई। अगर वो चुड़ैल तुम्हारे साथ ना होती तो मैं अपने दिल की सारी भड़ास वहीं निकाल लेती। इतनी रात गए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, तुम्हारी नींद तो नहीं खराब की मैंने? अगर तुम नहीं बुलाती तो मेरी नींद खराब होती। मैं खुद तुमसे मिलने के लिए बेचैन था। तो आओ, आज हम दोनों ये साबित कर दें कि रात कितनी छोटी है। अरे पहले दरवाजा तो बंद करो। आई एम सॉरी। वेलकम मिस्टर जनार्दन, वेलकम। जॉन एमेंडिस को गज्जू सेठ ने ठीक से नहीं मारा, इसीलिए वो दूसरा जन्म ले सका। लेकिन अब की बार मैं तुझे ऐसे मारूंगा कि तेरे शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा भी खत्म हो जाए, ताकि वो तीसरा जन्म ना ले सके। कहाँ है? बताता हूँ। बता कर जैसे कहाँ है? बताता हूँ। गज्जू कहाँ है? गज्जू ही सेठ गजानन बन गया है। अरे वो शैतान, हटा, अब तू बच्चा नहीं रहा। मुसल सी टांगे फैला दी मेरे ऊपर। अब उनको खाली पिली दिया पुपी हो। जगा दिया के बच्चे, चैन से सोने भी नहीं देता। मैं वहाँ जाके सोती हूँ। नहीं 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 नहीं, अब उनको अकेले नींद नहीं आएगी, तुम इधर ही सो जाओ। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं पुपी, पुपी, नहीं। पुपी
फूफी तुम्हारी चूड़ियां तो बड़ी खूबसूरत हैं। कितने में बनवाई थी? उन दिनों तेरी नानी ने 1000 रुपए में बनवाई थी। हाँ। आज अगर इन्हें गिरवी रखे तो 4-5 हजार तो मिल ही जाएंगे। हाँ, इतने तो मिल ही जाएंगे। फूफी फूफी आजकल मैं बड़ी कड़की में हूँ, एक चूड़ी दे दे। इसीलिए मस्का लगा रहा था क्यों? अरे एक दो दिन में लौटा दूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं तुझे बिल्कुल नहीं दूंगी। मत दे मत दे, तेरे मरने के बाद तो आपको ही मिलने वाली है। नहीं, ये तुझे नहीं मिलने वाली। तेरी नानी ने ये चूड़ियां तेरी बीवी को देने के लिए बोला है, समझा? जबीश मर गई साली। मेरे को देने को बोला होता तो नहीं मरती। नाच पीटे चुट्टे की तरह घूरे जा रहा है।